पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो कापे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। वो रहा मशीनी मानव। कौन हो आप लोग और इसके पीछे क्यों पड़े हो? हम हाँ? हम दिल्ली से आए हैं, सीबीआई वाले हैं। अच्छा, ये उल्टे तुम्हारी धुलाई कर गया भाई, चूना लगा दिया मुझे। हमें चुड़ाई है, हमें चुड़ाई है। तुम कहाँ घूम रहे हो केएलआर? घूम नहीं रहा हूँ मोंटी, कुछ बदमाश मेरे पीछे पड़े हैं। केएलआर वापस आ जाओ, तुम मेरे गुलाम हो। जूनियर जी, जी, तुमने लिंडा का अपमान किया है, इस अपमान की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। जब भी आओगी मात खाकर ही वापस जाओगी लिंडा। अगर हमने डॉक्टर एंथनी को मना लिया तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी और फिर केएलआर वहाँ सुरक्षित भी रहेगा। और अब आगे ये है मेरे सूरमा, जिनके दिमाग और ताकत पर मुझे नाज था। क्या सोचकर आए थे कि जोबरा बहुत खुश होगा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जाओ डूब कर मर जाओ। मुझे लगता था कि इनके भरोसे मैं दुनिया जीत लूंगा, लेकिन कमबख्त एक औरत से मार खाकर आ गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, चले जाओ यहां से। उस औरत को शायद हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। जाओ, अगर वो तुम्हें कहीं दिखे तो उसे जान से मार देना। जाओ, वो दिन कब आएगा जब दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी और कानून होगा मेरा गुलाम, मेरा गुलाम। पुलिस डिपार्टमेंट को तुम लोगों पर बहुत गर्व है, चारों तरफ तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हैं। गृह मंत्री ने खुद फोन करके तुम लोगों को बधाई दी है। सच सर, पुलिस वाले एक औरत से पिटकर आ जाए, उनसे ज्यादा बहादुर और कौन हो सकता है? सर, हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे सर, वो अचानक गायब हो गई सर। वो कोई भूतनिया चुड़ैल थी? हाँ सर। शट अप। पुलिस की नौकरी में पहले दिन ये बताया जाता है कि भूत प्रेत चुड़ैल डान कुछ नहीं होता। सर, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है सर, बता दो। तुम लोग कितने भी बकवास कर लो, तुम लोगों की नौकरियां बच नहीं सकती। ये रहे तुम दोनों के सस्पेंशन ऑर्डर। अरे सर, ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ सर, मेरे भी बच्चे भूखे मर जाएंगे सर। बिल्कुल नहीं सर। सर, आपको आपके बीवी बच्चों का वास्ता है सर। तुम लोगों की नौकरी सिर्फ एक इंसान बचा सकता है। कौन है वो देवता सर जी? वो दूसरे ग्रह का प्राणी, उसे पकड़ कर ले आओ, तुम दोनों की नौकरी में उसी वक्त बहाल कर दूंगा। गुड लक। बारिक सिंह, मैं तेरा सीनियर हूँ। अब काय का सीनियर और काय का जूनियर सर जी, ना आप इंस्पेक्टर रहे ना मैं हवलदार, अब तो हम दोनों फुटपाथ पे खड़े आम आदमी हैं। बारिश
ये तो सही कह रहा है दोस्त। अब क्या होगा, अब क्या होगा हमारे बीवी बच्चों का, इतना बड़ा पेट कैसे चलेगा। हे भगवान, कुछ करो भगवान। बहुत मीठा का मक्खन है। बहुत पिटा लीला जी मुझे, बस करो होगा, मेरी भी पिटाई हुई है, मैं चिल्ला रही हूँ क्या गधे कहीं के। आप बहुत बहादुर है लिंडा देवी जी, आप जब इधर से घूमती है ना तो मुझे बहुत डर लगने लगता है। क्यों? आप ऐसे तभी घूमती है जब आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही होती है। सही कह रहे हो गोगा, सही कह रहे। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि वो जूनियर जी का बच्चा सामने आकर बचकर निकल गया। आज वो अगर मेरे हाथ लग जाता तो वो ग्रहणों का टुकड़ा उससे छीन लेती और वो टुकड़ा छीन कर ग्रेट विमांशु को दे देती। हाँ हाँ, आखिर वो हमारे महाराजा है। आप कहाँ जा रही हैं लिंडा देवी जी? हवन के कमरे में, हवन करके और शक्तियां हासिल करनी है, आखिर जूनियर जी से मुकाबला करना है ना। आ गया, इस औरत के मन में भी पाप आ गया है, ग्रेट फिमांजू से गद्दारी करने की बात सोचने लग गई है, पागल लड़की। पागल है। Ha!
के लिए। टीना, टीना कहाँ गई? टीना, टीना यहाँ जमीन पर क्यों सोई है? टीना, उनसे बच्ची को क्या हो गया? कहीं लगवा तो नहीं मार दिया? क्या हो गया? हेलो, हेलो डॉक्टर वर्मा, मैं मिसेस मित्रा बोल रही हूँ। डॉक्टर डॉक्टर पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया है। नहीं नहीं, वो हिल-डुल नहीं रही है और उसके हाथ पैरों में कुछ भी जान नहीं है। हाँ डॉक्टर, उसकी आंखें तो खुली है लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं रही है। पता नहीं डॉक्टर अचानक क्या हो गया। डॉक्टर डॉक्टर आप प्लीज जल्दी आइए। हाँ ओके। सब कुछ तो ठीक है, फिर इसका शरीर काम क्यों नहीं कर रहा है? डॉक्टर साहब, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है। आम तौर पर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से पैरालिसिस वगैरह होता है, मगर इसका ब्लड सर्कुलेशन तो एकदम ठीक है। मैं इसे शाम को देखने के लिए फिर आऊंगा। रिलैक्स एंड टेक केयर। पानी, सब कुछ क्या हो रहा है? हेलो। हेलो गौरव। हाँ शैली बोलो। हाँ गौरव, मैंने तुम्हारे घर फोन किया था, पता चला कि तुम मोंटी के आओ। तुम्हें टीना के बारे में कुछ पता चला? उसे क्या हुआ है? कुछ अजीब किस्म की बीमारी है, उसका पूरा शरीर बेजान पड़ा हुआ है। ओह गॉड, टीना भी? शैलिया मोंटी के साथ भी ऐसे ही हुआ है, वो भी बेजान पड़ा हुआ है। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई गौरव? पता नहीं। खराब है। मतलब 8 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है और बिस्तर पर बेजान पड़े हुए हैं। डॉक्टर भी डायग्नोस नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या बीमारी हुई है। दवाइयां भी असर नहीं कर रही और शहर में लगभग 10,000 बच्चे इस बीमारी का शिकार बने हैं। मुझे सब पता है। पता है और फिर भी तुम चुपचाप बैठे हो, तो मैं क्या करूं? गौरव, एक बात तो साफ है कि ये तुम्हारी दुश्मनों की कोई नई चाल है, क्योंकि वो बार बार नए नए ढंग से बच्चों पर अटैक कर रहे हैं। पर वो दुश्मन कौन है, कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। और फिर अंधेरे में तीर चलाने से क्या फायदा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। गौरव, केएलआर कैसा है? ठीक ही होगा। हम उससे मिलने चलेंगे एक दिन। पहले हम नई मुसीबत से तो निपट ले। उनसे निपटना तो तुम्हारा बाएं हाथ का खेल है। शैली, तुम सावधान रहना। डोंट वरी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, टीना से मिलने जाना है, डॉक्टर आने वाले हैं ना। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो। ये आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर जोबरा? ये कैसा अजीब सा कंप्यूटर तैयार किया है आपने डॉक्टर जोबरा? मैंने तो आज तक ऐसा कंप्यूटर नहीं देखा,
जिसकी स्क्रीन पर लाल बिंदु घूमे। ये मामूली लाल बिंदु नहीं है लिली सिली। बस समझ लो ये तबाही का गोला है। वो क्या है? ये कंप्यूटर का रिमोट कंट्रोल है। ये लाल बिंदु मैग्नेटिक पावर वाला लाल बिंदु है। इसका कनेक्शन डायरेक्ट सैटेलाइट से है। अरे बाप रे बाप। स्क्रीन में मेरा ये सैटेलाइट घूम रहा है। अब ये सैटेलाइट अपने कैमरे की मदद से KLR को ढूंढेगा। जैसे ही KLR उस कैमरे की रेंज में आएगा, ये लाल बिंदु अपने मैग्नेटिक पावर को एक्टिवेट कर देगा। उस मैग्नेटिक पावर की मदद से वो मशीनी मानव हमारी तरफ खिंचा चला आएगा और इस मैग्नेटिक पावर को तोड़ने की हिम्मत किसी की नहीं है। पर डॉक्टर चोपड़ा, ये मैग्नेटिक पावर तो और भी बहुत सी चीजें खींच सकती है। नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ मशीनी मानव के शरीर के मेटल को ही अपनी तरफ खींचेगी। वाह, क्या दिमाग पाया है आपने डॉक्टर चोपड़ा। लोमड़ी का दिमाग है मेरे पास। जिस चीज को हासिल करना चाहता हूँ उसे पाकर ही रहता हूँ, किसी भी कीमत पर। चलिया मेरी प्रेतात्माओं, चलिया मेरी प्रेतात्माओं, आ जाओ मेरी प्रेतात्माओं। चली आओ मेरी प्रेतात्माओं, डायना तुम्हें पुकार रही है। चली आओ। हुकुम महारानी डायना, गुलाम हाजिर है। आओ छाया, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद महारानी डायना। अब तक कितने बच्चे तुम्हारी बांसुरी की हवा का शिकार बन चुके हैं छाया? हजारों बच्चे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, हम प्रेत आत्माओं को इन मासूम बच्चों से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी है छाया, दुश्मनी है। मैं ये काम किसी मकसद से ही कर रही हूं। अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो तुम जा सकती हो, मैं किसी और प्रेतात्मा को बुला लूंगी। ऐसी बात नहीं है महारानी डायना, बस अपने शंका का समाधान ढूंढने के लिए सवाल मैंने पूछा था। गुस्ताखी माफ हो। छाया, तुम हमारी बहुत करीबी और विश्वास पात्र आत्मा, इसीलिए मैंने इस काम के लिए तुम्हें भेजा था। मैं जानती हूँ महारानी डायना। अब तुम जाओ और बस चुपचाप वो करती रहो जो मैं कहती। क्या हुक्म है महारानी डायना? तुम जाकर उन सारे बच्चों को मेरे पास ले आओ। जो हुक्म महारानी डायना।
अब देखती हूँ ये जूनियर जी कैसे बचता है। आत्माओं से निपटने की ताकत किसी में नहीं है। बहुत उछलता है ये छोटा सा बच्चा। मैं तो उसे बिल्ली बनाकर पालूंगी। वो जानता नहीं है इस बार उसका मुकाबला प्रेतात्माओं की महारानी डायना से हुआ है। ये हम कहाँ थे? तुम कौन हो और हम यहाँ क्यों लाई हो? खामोश! तुम सब प्रेत आत्माओं की दुनिया में आ चुके हो। बच्ची को बचा लो। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, टीना जल्दी वापस आ जाएगी। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार। अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी। थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।